देखिए बहुत अच्छा फील होता है आपको जब अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, और सम्मान की कदर करनी चाहिए और एक नए मोटिवेशन के साथ आपको काम करना चाहिए। ये मीडिया में रहते हुए मुझे कई साल हो चुके हैं तो मैं इस बात को अच्छे से समझती हूँ। बस्तर जाने का मौका मिला मुझे और ये मैं अपनी बहुत बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ कि सारा ने मुझे ये मौका दिया। बस्तर में जब मैं गई तो मुझे कुछ पता नहीं था, एक जंगल था, वीराना था, उस वीराने के अंदर कुछ घर बने हुए थे, उस घर के अंदर महिलाएं थीं और वो महिलाएं जब मैंने उनको देखा और उनसे बातचीत की तो समझने की ये कोशिश की कि वो क्या काम करती हैं। शायद वो हम सबसे ज़्यादा हिम्मत से वहाँ पर काम करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, वो खेतों में भी काम करती हैं और एक एक चेंज लाने की वो कोशिश कर रही हैं। कुछ बच्चियों से मुलाकात हुई तो वो कई किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं, तो ये कोशिशें जब हम मैंने देखी वहाँ पर तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला और असली हकदार मैं बस्तरिया महिलाओं को मानती हूँ इस अवार्ड के लिए, और वही महिला अचीवर्स हैं एक्चुअली इस अवार्ड की असली हकदार वही हैं। और दूसरा, ये डेडिकेट करना चाहूँगी अवार्ड में अपनी पूरी टीम को और बस्तरिया महिलाओं के लिए। बहुत किस प्रकार से करता यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन के तत्वावधान में विमेंस एम्पावरमेंट और सोशल चेंज पर एक सिंपोजियम अरेंज किया था और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो विमेन अचीवर्स को उन्होंने सम्मानित किया था और बहुत सारे ऐसे जो इनके प्रोग्राम्स चलते हैं उसके अंदर जो लड़कियाँ ट्रेनिंग लेती हैं और अब अपने पाँव पर खड़े होने लायक बनी हैं उसको उन्होंने यहाँ पर इनको इनक्रेज किया था, ये हुआ था यहाँ पर। एक बात चाहिए, आप ये मानती हैं कि नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण जो कार्यक्रम हो रहा है वो धरातल पर मूर्त रूप ले रहा है? नहीं, देखिए ये जो प्रोसेस है ना ये एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है ये ऑल और नन फिनोमेना है या ब्लैक एंड वाइट कि बस हम एक प्रोग्राम करें और ये सोचें कि महिलाएं सशक्तिकरण उनका पूरा हो चुका है, ये कभी ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा एक स्लो चेंज है, पीस मील सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है और इस तरह के प्रोग्राम से डेफिनेटली बहुत अवेयरनेस आती है समाज में, इनका बहुत रोल है और ये इस तरह की सिविल सोसाइटी का एक हेल्दी सिविल सोसाइटी एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है, तो मेरा तो बहुत सपोर्ट रहता है ऐसे कार्यक्रमों के लिए।